हेलो एवरीवन, वेलकम टू CFS फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखते हुए अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करें। फेस को हमको ज़्यादा मेकअप करने की ज़रूरत ना पड़े, एक पिंकिश ग्लो अपने चेहरे पर अगर आप सब लोग भी चाहते हैं। कॉस्मेटिक्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और एक हद तक ठीक है, बट अगर आप उसको रेगुलर बेसिस पे अगर ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपके स्किन को धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाने लग जाते हैं। जब तक वो आप प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तब तक आपको अपना फेस बहुत अच्छे से मेंटेन दिखेगा, बट इन केस अगर आप किसी रीज़न से अगर वो यूज़ ना कर पाते हैं तो आपके चेहरे की जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। जो टिश्यूज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा एकदम से डल होना स्टार्ट हो जाते हैं और डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्किन प्रॉब्लम्स जो है वो शेयर करने वाली हूँ। एक DIY फेस मास्क जो हम लोग स्पेशली बनाएंगे रोज पेटल से, जी गुलाब की पत्तियों से। अगर आप चाहें तो जो फ्रेश रोजेस होते हैं उनका भी आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप रोज पेटल पाउडर भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। रोज पेटल पाउडर भी आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि हम लोग उसको जस्ट मार्केट से परचेज कर रहे हैं, वो भी रोज की जो पत्तियाँ होती है उसका पाउडर ही। सो ये फेस मास्क क्या करेगा, आपके फेस को बहुत ही अच्छा एक पिंकिश लुक प्रोवाइड करेगा, आपके स्किन टिश्यूज़ को इम्प्रूव करेगा, साथ ही आपके चेहरे को एक वाइटन और पिंकिश ग्लो देने में आपकी हेल्प करेगा। ओके, सो अगर अभी तक अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर का बटन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही ढेर सारी खूबसूरत और अच्छी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। सो क्या वीडियो में देख रहे हैं, मैंने सबसे पहले एक बाउल लिया है, इसके अंदर लिया है मैंने 2 चम्मच कर्ड योगर्ट, दही जो भी आप बोलते हैं, उसके साथ ही मैंने उसमें ऐड किया है 1 चम्मच राइस फ्लोर। अगर आपके पास राइस फ्लोर अवेलेबल नहीं है तो आप मुल्तानी मिट्टी या फिर बेसन का भी यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। थर्ड थिंग यहाँ पर लेना है हमने हनी, मैंने लिया है 1/2 स्पून और उसी के साथ आपने लास्ट में उसमें ऐड करना है 1.5 स्पून आपने यहाँ पर इसको रोज़ पेटल पाउडर इसके अंदर आपने ऐड, रोज़ पेटल पाउडर ऐड करने के बाद अगर आप चाहें तो उसमें रोज़ वाटर का यूज़ कर सकते हैं। रोज़ वाटर आपको हेल्प करेगा जो आपका फेस मास्क है उसको एक कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करने में। सो जैसे आप उसके लिए थोड़ा सा रोज़ वाटर अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल पानी का भी यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद उसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद उसको आपने अपने फेस पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले याद रखिए अपने फेस को आपको किसी भी नॉर्मल अच्छे फेस वॉश से क्लीन करना ज़रूरी, देन आपको इस पेस्ट को अपने फेस पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद उसको छोड़ देना है जब तक कि ये ड्राई ना हो जाए। जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा देन आपको नॉर्मल पानी से अपने फेस को वॉश कर लेना है। इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया था कर्ड हनी। हनी क्या करेगा, आपके स्किन की जो टैनिंग है उसको रिमूव करने में हेल्प करेगा। सेकंड मैंने यहाँ पर लिया है राइस फ्लोर। राइस फ्लोर के अंदर होती है स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन बी, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है आपकी स्किन को वाइटन और टाइटन करने में। साथ ही यहाँ पर मैंने लिया था थर्ड हनी। हनी क्या करता है, एंटीबैक्टीरियल है जो आपके स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज कर देगा और फ्लॉलेस स्किन में कन्वर्ट करेगा। पिंकिश ग्लो आपको आपके चेहरे को प्रोवाइड करेगा और चेहरे को बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग दिखाता है। सो इन सब चीज़ों को यहाँ पर हम लोगों ने इस फेस पैक में यूज़ किया था। आप चाहें तो इस फेस पैक को वीकली ट्वाइस भी आप यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको घर के अंदर ही मिल जाने वाली है। उसके बाद जस्ट नॉर्मली आपको इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आप इसको ड्राई होने तक छोड़ देना है, फिर नॉर्मल पानी से अपना फेस को आपको वॉश कर लेना है। याद रखें कभी भी जेंटल हाथ से अपने फेस को वॉश कीजिए जब भी आपको ये ऐसा फेस पैक अप्लाई कर रहे हैं, तो अदरवाइज हो सकता है कि आपको रैशेज हो जाए। ऐसे रैशेज वाली कोई चीज़ यहाँ पर हमने यूज़ की नहीं है, बट स्टिल आपको हमेशा अपने फेस को एकदम जेंटल हाथ से मसाज करते हुए वॉश करना चाहिए। देन जैसे भी आप वॉश कर लेते हैं, वॉश करने के बाद चाहे आप रोज़ वाटर अप्लाई कर लीजिए, चाहे नॉर्मली जो भी मॉइस्चराइजर आप यूज़ करते हैं वो अपने फेस पर आपने अप्लाई कर लेना है। उसको आज को रेगुलर 3 वीक्स तक वीकली ट्वाइस यूज़ करके देखिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। जैसा कि समर आ गया है ऑलमोस्ट, तो हम लोगों को अपने चेहरे को ऐसी चीज़ें देना है जो उसको एकदम से ठंडक प्रोवाइड करे। बहुत ही ज़्यादा ठंडक हमारे चेहरे को मिलनी चाहिए ताकि हमारी स्किन जो रहेगी वो एकदम हेल्दी बनी रहेगी और ज़्यादा डेड नहीं होगी। सो ये जो एक रेमेडी है, ये DIY रेमेडी आप बहुत ही इजीली बहुत ही आराम से अपने घर पर यूज़ कर सकते हैं और इसका रिज़ल्ट भी आपको अनबिलीवेबल मिलने वाला है। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको भी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जल्दी आने वाली ढेर सारे वीडियोस हैं वो भी आपको देखना है। क्योंकि आपको हमारी रेमेडीज पसंद आ रही होगी फ्रेंड्स, अगर पसंद आ रही हो, अगर हमारे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और
ज़रूर अपना सपोर्ट इसी तरह हमारे साथ बनाए रखिए ताकि और भी आने वाली ढेर सारी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करते रहूँ। तो जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।